अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप YouTube से महीने का 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपया कमाना चाहते हैं तो मैं आज की वीडियो के अंदर आपको इंतहाई ज़बरदस्त मेथड बताऊंगा जिसकी मदद से आपका चैनल जो है वो दिनों में मोनेटाइज होगा। जब आपका चैनल दिनों में मोनेटाइज होगा तो आपकी अर्निंग जो है वो विद इन 1 मंथ to 2 मंथ जो है वो YouTube से स्टार्ट हो जाएगी। और आपको ये चीज़ पता है कि अगर एक दफ़ा YouTube चैनल आपका ग्रो कर जाता है तो ये आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आपको हर महीने बहुत अच्छे पैसे आप घर बैठ के कमा सकते हैं। भाई जिस मेथड से मैंने अपना चैनल मोनेटाइज करवाया था वो वाला मेथड मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। ये आपको कोई बंदा YouTube पे ये चीजें गाइड नहीं करता भाई, ये सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है। आप इन सीक्रेट की मदद से आपने अपने चैनल पे काम करना है, इंशाल्लाह आपको 100% सक्सेस मिलेगी। मैं आपको श्योरिटी के साथ ये चाहता हूं, अगर आप सही मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल पे तो फिर आपको कभी भी कोई भी बंदा जो है वो यहां पे रोक नहीं सकता। आपको 100% यहां पे विद इन ए मंथ आपको सक्सेस जो है वो मिल जाएगी और आप मंथली सैलरी जो है वो इजीली यहां से अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। देखो एक चीज, अब मैंने जो स्टार्ट पे मैंने बहुत सारे मेथड्स यूज किए हैं, अब आप लोग भी करते होंगे। लोग जो है वो मोनेटाइज चैनल खरीदते हैं और बहुत पता नहीं क्या कुछ करते हैं, लेकिन यार उससे आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। सही है, आप सिर्फ अगर आपने ग्रो करवाना है तो यूट्यूब से ही आपने ग्रो करवाना है। यूट्यूब खुद आपके चैनल को प्रमोट करता है। कैसे करता है? बड़ा सिंपल सा मेथड है। अच्छा अभी मैंने यहां पे जस्ट अपने सामने गूगल ओपन किया है, आपने जस्ट गूगल पे जाना है। यहां पे आपने लिखना है गूगल एडवर्ड्स, ठीक है। जस्ट आपने लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप लिखेंगे गूगल एडवर्ड्स तो आपके सामने नीचे एक वेबसाइट आती है, यहां पे आपने इस वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। अगर तो आपने इस पे अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो आपने जस्ट यहां पे कॉर्नर पे आपको ऑप्शन मिल रहा है स्टार्ट नाउ का, आपने इस पे क्लिक करना है, आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। आपने सिर्फ जीमेल लगानी है, पासवर्ड वगैरह सेट करना है तो आपका अकाउंट क्रिएट है। अब ये जो चीज है ना, ये बहुत मजे की चीज है, आपका चैनल जो है वो 100% यहां पे ग्रो होता है, ठीक है। आप अगर जो जो चीजें मैं आपको यहां पे बताने लगा हूं आप उन्हें फॉलो कर लो। एक दफा अगर आपने उसे फॉलो कर लिया तो आपका चैनल ग्रो हो गया तो ये आपकी पूरी लाइफ सेट कर देगा, आपकी पूरी लाइफ अर्निंग जो है वो होती रहेगी। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने ऑलरेडी यहां पे अकाउंट मेरा क्रिएट है, मैं जस्ट साइन इन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने अपनी जीमेल लगाई और पासवर्ड लगाया तो फर्स्टली मेरे सामने ये वाली स्क्रीन ओपन होती है, यहां पे आप देख सकते हैं। तो अब मैं जस्ट आपको यहां पे ओवरव्यू के ऑप्शन पे लेके जा रहा हूं। अब जैसे ही मैं ओवरव्यू के ऑप्शन पे आया तो सिर्फ जो चीज मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं, फर्स्टली आप रिजल्ट देखो, फिर मैं आपको यहां पे सारा गाइड करूंगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप खुद अपने चैनल को कैसे प्रमोट करना है, किसी से करवाने की जरूरत नहीं है। यहां पे मुझे इंप्रेशन मिले हैं 79.1K, यानी कि तकरीबन 80,000 लोगों को मेरी वीडियो जो है YouTube ने खुद शो की है। जब आप YouTube ओपन करते हैं तो आपको सामने देखते हैं कि कुछ वीडियोस शो होना स्टार्ट होती हैं खुद ब खुद, वो वीडियोस ऐसे शो होती हैं, वो आप यहां से करवा सकते हो। अब अगर आप वहां पे अपनी वीडियो प्रमोट करवाओगे, लोग आपकी वीडियोस देखेंगे, जब एक दफा लोगों ने आपकी वीडियोस देख ली है देन फिर नेक्स्ट टाइम वो ऑटोमेटिकली खुद देखना स्टार्ट करते हैं। अब 80,000 लोगों को मेरी वीडियोस YouTube ने शो की है, उसमें से तकरीबन 3,000 लोगों ने मेरी वीडियोस जो है वो प्ले की है। अब जब 3,000 बंदे ने मेरी वीडियो जो प्ले कर ली है, अब मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो 3,000 में से तकरीबन 2,000 बंदे मस्ट ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो नेक्स्ट टाइम भी प्ले कर लेंगे। तो देन फिर आपकी YouTube की जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है, आपके व्यूज आना स्टार्ट होते हैं। अब देखने को बहुत थोड़े लग रहे होंगे लेकिन भाई स्टार्ट पे यही बहुत ज्यादा होते हैं। अब मैंने खुद जो अपना चैनल है मोनेटाइज करवाया कहीं या अपने चैनल की जर्नी स्टार्ट की है, मेरी सक्सेस जो शुरू हुई है वो इसी तरह हुई है। मैंने यहां पे तकरीबन स्टार्ट पे 30,000 to 40,000 जो रुपीज थे वो लगाए थे और जिससे मुझे बहुत अच्छे व्यूज मिले और मेरा चैनल जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो गया। अब 3,000 बंदे ने जब आपकी वीडियोस देख ली है फिर यहां पे सारी गेम अब जो चलती है डिपेंड करती है चीजें वो आपके कंटेंट पे करती हैं कि आप कितना स्ट्रांग कंटेंट बना रहे हो, कितना अच्छा कंटेंट बना रहे हो ताकि नेक्स्ट टाइम भी वीडियो अपलोड करो तो लोग देखें। सही हो गया। अब जब आपने यहां पे अब मेरे कितने पैसे लगे हैं इस पे, ये इतने व्यूज लेने पे, ठीक है, इतने लोगों को शो करवाने में, अब ये वाली मेरी वीडियो आप नीचे देख सकती हो और इस पे मुझे 79,000 प्लस इंप्रेशन मिले हैं और यहां पे आप देख सकते हैं तकरीबन 3,548 रुपीज, तकरीबन 3,500 रुपए जो है मेरा सिर्फ लगा है और एक व्यूज पे उसने मेरे पैसे जो चार्ज किए हैं 1.27, ठीक है, एक रुपया और तकरीबन 27 सेंट जो है उसने चार्ज किए हैं। अब इस तरह आप यानी कि फिर सारी डिटेल उसने नीचे दी है, कौन लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, पाकिस्तान से कहां कहां से कितने व्यूज आए हैं, कराची से, ठीक है, सिंध से, ये सारी चीजें उसने मुझे यहां पे शो कर दी है।
तो भाई अगर आप अपने चैनल को वाकई में ग्रो करवाना चाहती हैं तो आप इस चीज़ को यूज़ करो, यहाँ पे आपके 100% चैनल ग्रो करेगा। बहुत सारे दोस्त जो मैसेज करते हैं, अली भाई हम मोनोटाइज चैनल बाय कर लें, हम वॉच टाइम बाय कर लें, हम व्यूज़ बाय कर लें, हम ये बाय कर लें, भाई कुछ भी बाय ना करो, वो सारी चीज़ें भाई फेक होती हैं। वो आप एक टाइम के लिए बाय करोगे लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। अब मोनोटाइज चैनल अगर बाय कर लोगे, अगर नेक्स्ट टाइम उस पर व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो भाई आपकी अर्निंग कहाँ से होगी, वो आपका फ्लॉप है। 2 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो YouTube आपके सब्सक्राइबर भी रिमूव कर देगा, आपका वॉच टाइम भी रिमूव कर देगा, आप फिर वहीं के वहीं। इसलिए अगर आप पैसे लगाना चाहते हो, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप यहां से अपनी वीडियो प्रमोट करो। अब कैसे प्रमोट करनी है, मेन चीज़ देखो, मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। अब फर्स्टली तो आपने इसमें बैलेंस जो है वो ऐड करना होता है। इसमें बैलेंस जो ऐड होता है बेसिकली वो मास्टर कार्ड से होता है, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के पास मास्टर कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपके किसी दोस्त के पास है, फैमिली मेम्बर के पास है, आप उसे भाई पैसे खुद दे दो, उसे को भाई मेरे मास्टर अपने मास्टर कार्ड से मेरे यहाँ पे कुछ पेमेंट ऐड कर दो। मेरे खुद के पास नहीं था तो मैंने अपने दोस्त से यहाँ पे ऐड करवा लिए, आप उससे जितने मर्जी पैसे मास्टर कार्ड से ऐड करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो, जस्ट आपने टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शंस का ऑप्शन मिलता है, आपने इसे ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट मंथ मैंने इसमें 5,000 रुपीज़ जो थे वो ऐड करवाए थे, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 5,000 रुपीज़ मैंने ऐड करवाए थे, तो अभी मेरे जो है वो इसमें तकरीबन बचे हैं, तकरीबन 774 रुपीज़ जो है वो सिर्फ मेरे अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे जस्ट आपने ऐड फंड्स पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे कार्ड ऐड करने की ऑप्शन दे देगा। अगर आपने कार्ड ऐड नहीं किया, मैंने इसमें कार्ड ऐड कर लिया है, तो मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड दे रहा है, और सिर्फ मैंने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है कि मैं कितनी अमाउंट ऐड करना चाहता हूँ, जस्ट मैं एक पेमेंट पे करूँगा। तो ये तकरीबन 1 डे के बाद पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में आती है, तो इसलिए आपने अगर तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पेमेंट ऐड करे होगे तो आपने स्टार्ट पे सिर्फ 1,000 रुपीज़ करें, फिर आपको आइडिया हो जाता है कि भाई कितनी देर बाद पेमेंट आती है। जो मैंने फर्स्ट पेमेंट की थी वो तकरीबन 2 दिन बाद आई थी, तो मैं परेशान हो गया कि यार पता नहीं मेरे पैसे ज़ाया हो गए, इस तरह नहीं होता, ठीक है। आप थोड़ी अमाउंट स्टार्ट पे करो, देन फिर जब आपकी पेमेंट यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी तो देन आपके अकाउंट में आ गया, फिर आप एड्स चला सकते हो। अब कैसे ऐड चलानी है, जब आपने फर्स्ट पेमेंट यहाँ पे ऐड करवा ली है, आपके पास यहाँ पे बैलेंस आ चुका है, उसके बाद फिर आपने जाना है जी दोबारा होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पे ये क्रिएट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, आपने क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे कंपेन के ऑप्शन पे क्लिक करना है फर्स्ट वाले पे, ठीक है। जब आपने कंपेन के ऑप्शन पे क्लिक करना तो आपके सामने ये वाले ऑप्शंस आते हैं, इस पर आपने ये लास्ट कॉर्नर वाला ऑप्शन जो है उसे क्रिएट ए कंपेन विदाउट ए गोल्स ऑडियंस, ठीक है, आपने ये वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे वीडियो प्रमोट करनी है अपनी, तो क्योंकि आप यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें प्रमोट कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप प्रमोट कर सकते हो, लेकिन हमने अपनी वीडियो प्रमोट करनी है तो हमने यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसे यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ पे कस्टम वीडियो ही सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने अब यहाँ पे ये आप कंपेन नेम आप कर सकते हो भाई, माय फर्स्ट कंपेन, ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, ये माय फर्स्ट कंपेन, आप कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है बिट स्ट्रेटजी। अब यहाँ आपने हमेशा यहाँ पे फर्स्ट वाला रखना है, इसमें आपकी कटिंग जो है वो कम होती है, पैसे थोड़े लगते हैं। जो लोग आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे ना, सिर्फ उसी के आपसे पैसे चार्ज किए जाएंगे। लेकिन अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन करते हो टारगेट CPM, तो फिर ये जिन जिन लोगों को आपकी वीडियो शो होगी ना, तो वीडियो शो होने पर आपकी कटिंग होगी, तो इसलिए आपने यहाँ पे हमेशा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करें, ये बेहतर है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है बजट एंड डेट्स, कि आप डेली बेस पे उसे पैसे पे करना चाहते हो या आप मंथली एक ही दफ़ा उसे सेट कर लेना चाहते हो कि भाई इतने पैसे मैं टोटल आपको दूंगा और उस पर मुझे जितने व्यूज़ बनती हैं दे दो। ये नहीं, आपने डेली बेस पे करना है, मैं डेली पे क्लिक करूंगा, डेली आप कर दो यहाँ पे 500 रुपीज़, यानी कि मैं चाहता हूँ कि डेली का 500 रुपया मेरा लगे और जितने व्यूज़ मेरे बनते हैं या जितने इंप्रेशन बनते हैं वो मुझे मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट आपने एडिट पे क्लिक करना है, ये डेट सेलेक्ट करनी है कि कितने दिन के लिए आप इसे चलाना चाहते हो। स्टार्ट भी आप चेंज कर सकते हो, स्टार्ट में तो उसने ऑटोमेटिकली जिस दिन अभी आप मैं क्रिएट कर रहा हूँ मेरी आज वाली डेट उसने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। अब मैं लास्ट डेट यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं 3 दिन के लिए चलाना चाहता हूँ, 4 दिन के लिए, जितने आपके बैलेंस है अकाउंट में, ठीक है। तो मैं सिर्फ यानी कि स्टार्ट पे आप मुख्तलिफ वीडियोस लगाएं, ठीक है। अभी एक वीडियो यहाँ पे लगाऊंगा मैं और उसे मैं 5 दिन के लिए लगाऊंगा, अब फिर मुझे देखूंगा कि मुझे कितना रिजल्ट मिला है इस वीडियो से। हो सकता है वो वीडियो मेरी अच्छी ना हो, मुझे अच्छा रिजल्ट ना मिले, तो मैं नेक्स्ट 5 दिन के लिए फिर नई वीडियो लगा दूंगा। इसलिए थोड़े दिन के लिए लगाओ, स्टार्ट पे 3 दिन के लिए लगा दो इस तरह। उसके बाद आपने फिर ये नेटवर्क्स पे आना है, नेटवर्क्स पे आने के बाद वीडियो पैटर्न्स ऑन डिस्प्ले नेटवर्क आपने इसे अनचेक कर देना है, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद आपने कौन सी कंट्री से हैं, अगर तो आप पाकिस्तान से हैं, अब मैं यहाँ पे मोस्टली पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा पाकिस्तान ऑप्शन आ रहा है। अगर आप अदर कंट्री से हैं तो आपने एंटर अदर लोकेशन करना है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप इंडिया से हैं तो आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी कंट्री है आपकी आप वो वाली कंट्री यहाँ पे सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हो।
ठीक है, जिस कंट्री में आपकी वीडियो शो होगी, ठीक है, मैं पाकिस्तान में करवाना चाहता हूँ तो मैं जस्ट यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो लोग बोलते हैं उसको अपनी वीडियो शो करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये देख सकते हैं चार लैंग्वेज सेलेक्ट की है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे अरेबिक भी करवाना चाहते हैं तो आप अरेबिक भी यहाँ पे कर सकते हो, इस तरह जो लोग अरेबिक बोलते हैं उन्हें भी मेरी वीडियो शो हो। ठीक है, अभी कैंसिल करते हैं, ये चार लैंग्वेज वाले लोगों को मेरी वीडियो मैं चाहता हूँ शो हो। उसके बाद नेक्स्ट आपने आना जी यहाँ पे ये रिलेटेड वीडियोस पे, यहाँ पे जो भी वीडियो आप प्रमोट करना चाहते हैं आपने उससे रेलिवेंट दो वीडियोस के लिंक देने हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये ना भी दो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन बेस्ट होता है दो, ठीक है, वो आपको फिर उस पर भी इंप्रेशन आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, अच्छा अब ये वीडियोस आ गई हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली वीडियो प्रमोट करवाना चाहता हूँ और जो मेरी रिलेटेड वीडियो हैं वो ये हैं, तो मैं यहाँ से इसका कॉपी लिंक पे एड्रेस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे फर्स्ट वाली वीडियो ऐड हो चुकी है, यहाँ पे जस्ट मैं कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लूँगा जी, ये मेरी सेकंड वीडियो है उससे रेलिवेंट, उसका लिंक भी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये ले जी टू वीडियोस ऐड हो गई, इसे नीचे से डन कर दूंगा। अब नेक्स्ट आऊँगा, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स हैं, यहाँ पे आपने आना है। उसके बाद यहाँ पे आपने डिवाइसेस सेलेक्ट करनी होती हैं, सेट स्पेसिफिक टारगेट डिवाइसेस, कि किस किस डिवाइस के ऊपर आपकी वीडियो शो हो। मैं सिर्फ ऊपर वाली दो कर लूँगा, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स, ओके हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरे पास फ्रीक्वेंसी कैपिंग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने हमेशा फर्स्ट वाले पे ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने दिन, एक दिन में कितने दफ़ा एक बंदे को वीडियो शो हो, ठीक है। यहाँ पे आपने दो दफ़ा कर लेने कि एक बंदे को सिर्फ दो दफ़ा ही वीडियो शो हो, अगर वो इंटरेस्टेड होगा देख लेगा, नहीं तो रहने दो, ओके हो गया जी। उसके बाद आपने नीचे ये दो ऑप्शन है इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड ग्रुप नेम, ये भी रहने दे कुछ ना करें इसे। उसके बाद डेमोग्राफी आती है, इस पर आपने एज सेलेक्ट करनी होती है कि किस एज के लोगों को आपकी वीडियो शो हो, तो आप ये लास्ट थ्री ऑप्शंस अनचेक कर दो, यहाँ पे अननोन को भी अनचेक कर दो, अननोन को इनचेक कर दो, ये वाली सेटिंग यहाँ पे जस्ट कर दो। उसके बाद आपके पास आती है ऑडियंस सेगमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है कि किस कैटेगरी की ऑडियंस को आपकी वीडियो शो हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मेरी जो है ये ऑनलाइन से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ वीडियोस होती हैं कि जो ऑनलाइन लोग काम करना चाहते हैं वो वीडियोस मेरी देखें, तो यहाँ पे मुझे लास्ट पे ये कुछ टॉपिक्स मिल रहे हैं, देखें फ्री लांसिंग जॉब्स, ठीक है, वर्क्स फ्रॉम होम जॉब, ठीक है, वर्क्स फ्रॉम होम जॉब्स इन इंडिया, ठीक है। ये वाले मैंने टॉपिक्स जो है वो कुछ सिलेक्ट कर लिए कि जो ये वाले टॉपिक्स लोग सर्च कर रहे हैं उनको मेरी वीडियो शो हो, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी कोई और है तो आप यहाँ पे जस्ट सर्च भी कर सकते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड है, सपोर्ट से रिलेटेड है, कुकिंग से, कुछ भी अगर आपसे रिलेटेड है तो आप यहाँ पे उसे सर्च कर सकते हैं ऊपर। अब मैंने ये तीन कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आता है कीवर्ड्स, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप कुकिंग का चैनल है या आपका सपोर्ट का है उससे रिलेवेंट कुछ भी कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर करना चाहें कर लें, नहीं तो ये ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे आते हैं एनी टॉपिक्स, यहाँ पे आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो जिस कैटेगरी से आप रेलिवेंट आपकी वीडियो है, ब्यूटी से है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स से है, फूड से है, गेम से है, जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आपकी वीडियो है वो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ना भी करो कोई मसला नहीं है, फर्स्ट नंबर पे बस आपने ये वाली जो ऑडियंस सेगमेंट है ना ये ज़रूरी होता है, ये तीन चीज़ें जो है इतनी ज़रूरी नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे अब आपने जो वीडियो प्रमोट करनी है ना उसका लिंक आपने यहाँ पे देना है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वीडियो मैं इसे प्रमोट करना चाहता हूँ, मैं इसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे ऐड करूँगा, ओके हो गया। अब उसके बाद मेरे से पूछ रहा है स्किपेबल ऐड मैं लगाना चाहता हूँ, जैसे हम कोई भी यूट्यूब की वीडियो प्ले करते हैं हमें एक ऐड चलता हुआ नजर आता है, नीचे स्किप का बटन आ रहा होता है कि 3 सेकंड के बाद आप इस ऐड को स्किप कर सकते हो, वो वाला ऐड लगाना चाहते हो, या आप इन फीड वीडियो ऐड, यानी कि सिर्फ एक ऊपर वीडियोस के ऊपर एक ऐड शो हो रहा था वो लगाना चाहते हो। जो स्किपेबल ऐड होता है ना वो ऐड एक्सपेंसिव है, ठीक है, उसके चार्जेस ज्यादा है। स्टार्ट पे आप वो वाला ऐड ना लगाओ, आप इन फीड वीडियो ऐड ये सेकंड वाला नंबर जो है ना वो लगाओ, तो इस तरह वीडियो के ऊपर आपका जो है ना ये वाला थंबनेल जो है वो शो होगा, जो बंदे इंटरेस्टेड होंगे वो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, थंबनेल आउटस्टैंडिंग सा बनाओ कि दिल करे भाई उस पर क्लिक किया जाए, ठीक हो गया। अब ये वाला सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी हेडलाइन ऐड करूंगा कि भाई ये वीडियो किससे रेलिवेंट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेक मनी ऑनलाइन, ओके हो गया जी, या हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है जी, ये मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, इसी को कॉपी करके दोबारा मैं नीचे लगा दूंगा, दैट्स इट। ये 3 लाइन जरूरी होती हैं, ये इस तरह आपके लिखी हैं कि आप साइड पे देख भी सकते हो यहाँ पे इस तरह, ठीक है। अब ये ऐड जो है वो आपकी एज इट इज़ ऐसे ही आपके लोगों के मोबाइल्स पे, कंप्यूटर्स पे शो होगी। अब जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो इसे क्लिक करते जाएंगे, आपके चैनल पे व्यूज आते जाएंगे, आपका चैनल ग्रो होता जाएगा, ये 100% वैलिड मेथड है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर आपने लिखना होता है कि आप एक व्यूज के ऊपर कितने पैसे देना चाहते हो। अब उसने हमें नीचे बता दिया
कि जो अगर आप अच्छे व्यूज लेना चाहते हो ना, तो 3 रुपए से कम आप पैसे नहीं लगेंगे। फिर आप ये क्या करोगे, यहाँ पे 3 से कुछ ज्यादा लगाओगे, देन फिर आपकी एड जल्दी चलेगी। और 3 रुपए से ज्यादा आपने यहाँ पे पैसे लगाने हैं, उससे फिर क्या बेनिफिट होगा, एक तो आपकी एग्जैक्ट अच्छी जो ऑडियंस होगी आपसे कंटेंट से रेलिवेंट, उन्हें आपकी वीडियो शो होगी और फिर आपकी जल्दी एड चलेगी। नहीं तो ये एड यहाँ पे प्रोसीजिंग में भी पड़ी रहती है 2-2 दिन, क्योंकि वो पैसे कम लगाए होते हैं लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे 3 रुपए सजेशन किए हैं, मैं यहाँ पे 4 रुपए लगाता हूँ कि भाई एक व्यू के ऊपर मैं आपको 4 रुपए दूंगा, मेरी वीडियो लोगों को दिखाओ। ओके हो गया जी। अब उसके बाद आपने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना है। उसने कहा जी आप यहाँ पे चेक कर लें एक दफा अपना सारा डाटा दोबारा कि आपने ये वाली ऐड चलाई है, ठीक है, किस एज के मेंबर, ठीक है, कीवर्ड, टॉपिक, हर चीज़। उसने कहा जी आपने ये वाली सेलेक्ट की है, एक दफा अपनी सारा कुछ कंफर्म कर लें। करने के बाद कंटिन्यू कैंपेन पे क्लिक करते हैं। ये लें जी, अब यहाँ पे मेरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस एलिजिबल है, ये मेरी कंपेन एलिजिबल है, लेकिन अभी ये प्रोसीडिंग में है। अब जैसे ही ये गूगल एडवर्ड्स जो है वो इसे अप्रूव्ड करेगा, एक दफ़ा देखेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो, यानी कि यहाँ पे पॉलिटिक्स टॉपिक्स हो गए, यहाँ कुछ ऐसे कुछ इशूज़ वाले होते हैं, ठीक है, टॉपिक्स जिनको ये प्रमोट नहीं करता, वो फिर आपको कहता है कि आपकी वीडियो प्रमोट करने के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। वो कुछ टॉपिक्स होते हैं इस तरह के, वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, वो मिल जाएंगे। अगर आपकी वीडियो उन टॉपिक्स पर होगी तो वीडियो की प्रमोट नहीं होगी, तो जिसमें कुछ को मारने का दिखाया जा रहा है, जो आपके यानी कि यूट्यूब की वायलेशन कर रही है ना वीडियो, जो भी आपके यूट्यूब को, वो वीडियो प्रमोट नहीं की जाती, तो वो वाली वीडियो आपकी ना हो। तो अब ये वाली एलिजिबल वीडियो है यहां पे, अब ये कुछ टाइम के बाद मेरी से अप्रूव्ड करेगा और मेरे इंप्रेशन यहां पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे सारे जितने मेरे पैसे कट होंगे, जितने व्यूज आएंगे, वो हर चीज मुझे यहां पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह हमेशा आपने अपने चैनल को ग्रो करना है, ये एक वैलिड मेथड है और इस मेथड से बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स ने इस मेथड को यूज़ करते हुए अपने चैनल्स को ग्रो किया है। मैंने ऑलरेडी भी, मैं अभी भी इसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कभी कभी मैं अपनी वीडियो अभी भी इस पर प्रमोट करता रहता हूँ, 4 से 5 हज़ार रुपया लगा कर छोड़ देता हूँ, उससे फिर चैनल आपका ग्रो रहता है। तो ये सारे मेथड्स होते हैं, अगर आप ओरिजिनल यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, ओरिजिनल सक्सेस लेना चाहते हैं, तो इस मेथड को यूज़ करें, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बता दी है, और जो चीज़ें आपको YouTube पे लोग नहीं बता रहे मैंने वो भी आपको बता दी हैं क्लियरली। बाकी अब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, अब नेक्स्ट फिर उसी बंदे का चैनल ग्रो करेगा जिसका कंटेंट अच्छा होगा, जिसने स्ट्रगल की होगी। तो इंशाल्लाह आप मज़ीद इससे रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग और ट्रेडिंग से रिलेटेड लेके आता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।